नमस्कार, आज हम लोग हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपने बच्चों को हर एक व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर और इंजीनियर दोनों एक साथ मौजूद हैं जिन्होंने PhD कर रखी है बुद्ध के ऊपर और वकालत भी कर रखी है। शिव चरण पिप्पल जी, पिप्पल साहब आपका हमारे चरण में स्वागत है। ये आज का जो ये सांकेतिक धरना रोज 10 बजे से 5 बजे तक रोजाना चलेगा जी। ये श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो इस DDA और दिल्ली पुलिस की मिली भगत से जो तोड़ा गया जी। जो लाखों करोड़ों इस देश में ही नहीं अभी तो विदेश में भी देखा होगा सुरेंद्र जी आपने जी। के भिन्न भिन्न जितनी भी एम्बेसीज हैं दुनिया में वहाँ गुरु भक्त हमारे जो हिंदुस्तान के बाहर रहे हैं उन्होंने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया है, धरना दिया है और ज्ञापन दिए गए हैं। ये ज्ञापन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक मंदिर था। अगर ऐतिहासिक उसका स्थान नहीं होता मंदिर का तो हम निश्चित रूप से ऐसी कोई बात ही नहीं करते। पिप्पल साहब, जितना भी 19 तारीख को प्रोटेस्ट था वो भी बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। 21 तारीख का प्रदर्शन में लाखों लोग आए संवैधानिक तरीके से और उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं करा, पर ये करते करते रात को क्या हो गया जो इतनी बड़ी वारदातें होने शुरू हो गई। एक्चुअली क्या है कि सुरेंद्र जी आपने देखा होगा, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा, हमने सकारात्मक सोच की हमेशा। राजनीति में भी रहे तो सकारात्मक सोच रखी, सामाजिक काम में तो सकारात्मक सोच के साथ। और मुझे गर्व और फख्र है क्योंकि मैं भगवान बुद्ध और गुरु रविदास और बाबा साहब के मार्ग पे चलने वाला इंसान हूँ। अगर मैं मरूंगा बिना जीवन पर्यंत सकारात्मक सोच पे रहूँगा और मरूंगा तो भी सकारात्मक सोच के साथ मरूंगा, नकारात्मकता कभी नहीं होगी। कुछ असामाजिक तत्व बीच में भी आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि लोग कौन घुस गए कौन कर गए। हाँ, एक क्लिप में मैंने ज़रूर देखा कि एक पुलिस वाले ने पहले तो उसके मुट्ठा मारा छाती में एक गुरु भक्त के, ठीक है, और एक को डंडा मारा। तो डंडा मारा वहाँ इतनी भड़क गई, हालांकि एक उस पुलिस अफसर ने उनको डांटा भी और वो फिर अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगे, उनसे सवाल करने लगे, आप जैसे पत्रकार बहुजन के पत्रकार, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये पुलिस की उससे भड़काया गया था और कुछ असामाजिक तत्व भी आ ही जाते हैं मैं समझता हूँ ऐसे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।